तो दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हॉरर कॉमेडी जॉनरा की सुपरहिट मूवी स्त्री का अगला पार्ट मतलब स्त्री 2 आज रिलीज हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम इसी मूवी का रिव्यू करेंगे। और दोस्तों, आज का हमारा ये रिव्यू वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसके लास्ट में मैं आपको इस मूवी की एक बोनस इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की मतलब स्त्री 2 की स्टोरी की। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं कोई भी स्पॉइलर आपको आज के इस वीडियो में नहीं देने वाला हूं, लेकिन एक बेसिक जी स्टोरी की अगर हम बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी वहीं पर स्टार्ट होती है जहां पे स्त्री 1 खत्म हुई थी। जैसा कि पहले पार्ट में हम सभी ने देखा था कि उसमें राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर स्त्री, जो कि एक भूत या फिर आत्मा थी, उसकी चोटी काटकर उसकी सारी शक्तियां खत्म कर देते हैं और उसके बाद जो उनका गांव था चंदेरी, उसको वो स्त्री के आतंक से मुक्त कर देते हैं। तो बस ये कहानी यहीं से शुरू होती है। चंदेरी गांव में अब सब कुछ खुश हैं, अभी कोई भी तकलीफ नहीं है वहां के गांव वालों को, लेकिन 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 नहीं, एक और भूत है जिसका नाम है सरकटा। अब उसकी नज़र इस गांव पर है और वो कैसे इन गांव वालों को परेशान कर रहा है और उसकी क्या कहानी है, उसका क्या कनेक्शन है स्त्री से, और किस तरह श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और ये इनके सारे जो ग्रुप है वो एक बार फिर कैसे इस पूरे गांव को सरकटा के आतंक से मुक्ति दिलाएंगे, क्या क्या राज हैं पूरा इस गाँव का इस सरकटा के साथ, स्त्री के साथ, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखना होगा मूवी स्त्री 2। तो खैर, इसके बाद अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये मूवी आपको थिएटर्स में देखनी चाहिए, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल देखनी चाहिए और बिल्कुल भी मिस आपको ये मूवी नहीं करनी है। क्योंकि ये स्त्री का सेकंड पार्ट है तो स्त्री के 1 से कंपेयर होगी। स्त्री 1 बहुत ही शानदार मूवी थी, हम सबको कितना पसंद आई थी, जबरदस्त कॉमेडी और हॉरर दोनों का तड़का था उस मूवी में। लेकिन अब जो ये स्त्री का सेकंड पार्ट आया है तो सबको उम्मीदें तो काफ़ी हैं इस पार्ट से, लेकिन क्या ये मूवी उम्मीदों पर खरी उतरती है? तो जी हाँ, बिल्कुल खरी उतरती है। सेम वैसी ही वाइब, सेम वैसी ही थीम रखी है मेकर्स ने और मैं फुल मार्क्स दूंगा मेकर्स को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह ये स्त्री 2 जो फिल्म पूरी बनाई है, उन्होंने जबरदस्त राइटिंग लिखी है इस पूरी कहानी की। पूरी तरह से राइटिंग उस स्त्री 1 के पहले पार्ट को मैच करती है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। तो चलिए जल्दी से अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट्स यही है कि ये एक परफेक्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है। जहां दोस्तों, एक तरफ तो इस फिल्म में बहुत सारे हॉरर वाले सीन्स हैं और यकीन मानिए वो इतने शानदार सीन्स हैं, मतलब इतने डरावने सीन्स हैं कि सच में लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉमेडी भी इसमें भर भर के भरी हुई है। और फ्रेंड्स, ये जो कॉमेडी है ना, ये ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती कैरेक्टर कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं, राइटिंग में कॉमेडी है इस पूरी मूवी की, जैसा कि पहले पार्ट में थी। इतने हल्के फुल्के अंदाज में जो नॉर्मल कन्वर्सेशन एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से करता है ना, नॉर्मल बातें, उसमें कॉमेडी भरी हुई है। इतनी सारी अच्छी अच्छी पंच लाइन्स है ना इसमें कि पूरा थिएटर ठहाकों से गूंज उठता है। इसलिए जहां पर एक तरफ पूरा थिएटर हंसता है, वहीं दूसरी तरफ जब हॉरर सीन्स आते हैं तो पूरे थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती है। तो यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो वो है इसकी राइटिंग, इसका स्क्रीन प्ले। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी को, इस तरीके सेकंड पार्ट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। कहानी पूरी की पूरी पार्ट 1 की कहानी को मैच करती है और इस पूरा जो स्क्रीन प्ले है ये स्टार्टिंग से एंड तक आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देता है। और यार, इतने अच्छे स्टोरी और इतने अच्छे स्क्रीन प्ले के बाद इसका डायरेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। डायरेक्टर पूरी तरह से कामयाब हुए हैं अपना विजन हमको दिखाने के लिए। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि जहां पर फिल्म शुरू होती है वहां पर पंकज त्रिपाठी एक सॉन्ग्स गाते हैं, एक नॉर्मल सा गाना गाते हैं और उस गाने में स्त्री 1 की पूरी कहानी वो बता देते हैं, मतलब वो इतना शानदार तरीके से डायरेक्टर ने अपनी बात कही है, तो वहीं पर हमको समझ में आ जाता है कि डायरेक्टर का विजन कितना ज्यादा क्लियर है। इसके बाद अगला जो पॉजिटिव पॉइंट्स इस मूवी का वो है इनके एक्टर्स की एक्टिंग और परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, रियली ये पूरी फिल्म राजकुमार राव की है, वो लीड एक्टर हैं और यार वो इन्हीं तरह के रोल्स में, इन्हीं तरह के कैरेक्टर्स में एकदम बखूबी जमते हैं। मतलब यार, कई बार एक
बार ही हो जाता है कि जैसे पार्ट वन में उनकी जबरदस्त एक्टिंग थी तो ऐसा हो जाता है कि एक बार ही होगी अगली बार नहीं होगी, लेकिन यार इसका जो ये सेकंड पार्ट है ना, सेम एक्टिंग उन्होंने सेम कैरेक्टर पकड़ा हुआ है, कहीं पर भी वो ओवर परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते, ओवर ड्रामा करते हुए नजर नहीं आते। उनका जो कैरेक्टर है विक्की का, बिल्कुल उसमें राजकुमार राव फिट है और उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रद्धा कपूर की, तो उनका जो रोल है इस सेकंड पार्ट में वो कंपैरेटिवली कम है अगर हम पहले पार्ट से कंपेयर करें, लेकिन जितना भी उनका पार्ट है उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। बाकी अगर बात करें फिल्म की अदर कास्ट, जो राजकुमार राव के फ्रेंड्स हैं, स्पेशली वो जाना वाला कैरेक्टर, पंकज त्रिपाठी, इन सब ने भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है और बिल्कुल आप रोक नहीं पाएंगे अपनी हंसी को। जब भी इनका ग्रुप मिलता है आपस में तो बहुत ही शानदार इनका जो आपस में बातचीत होती है वो बहुत ज्यादा फनी है। इसके अलावा जो इस फिल्म का अगला पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका VFX। फ्रेंड्स, स्त्री वन बहुत कम बजट में बनी थी, लेकिन अब ये फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए स्त्री टू का अच्छा खासा बजट मिला है और उन्होंने बहुत ग्रैंड स्केल पे ये मूवी बनाई है और इसमें बहुत ही ज्यादा VFX का यूज उन्होंने किया है, लेकिन बहुत अच्छा VFX हमको दिखता है। हाँ, एकदम टॉप तो नहीं है, लेकिन इतना अच्छा है कि आप मूवी देखेंगे तो आपको मजा आएगा, कहीं पे भी आपको कोई भी सीन्स बनावटी नहीं लगेगा। इसके अलावा क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है तो इसके अधिकतर पार्ट आपको डार्क ही दिखेंगे, अंधेरे में ही दिखेंगे, रात में ही दिखेंगे, तो इसमें ज्यादा सिनेमेटोग्राफी का स्कोप था ही नहीं, लेकिन फिर भी जो भी ये अंधेरे रात वाले जो मोस्ट ऑफ द सीन्स हैं इस फिल्म के, वो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब अंधेरा होते हुए भी, रात के सीन्स होते हुए भी बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है और क्लियरली वो पूरे सीन्स आपको समझ में आते हैं कि कब क्या कहां हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में इसका फर्स्ट हाफ भी आता है। इसका फर्स्ट हाफ बहुत ही जबरदस्त है, मतलब फिल्म की जो स्टार्टिंग रहती है ना, वो जो स्त्री का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, स्लो वाला, वहां से जो फिल्म स्टार्ट होती है उस बैकग्राउंड म्यूजिक से, और जो पहले सेकंड से चालू होती है, इंटरवेल तक आपको बिल्कुल हिलने भी नहीं देगी, इतनी स्पीड से फिल्म चलती है और इतने शानदार कॉमेडी और हॉरर सीन्स दोनों ही इतने बढ़िया तरीके से आते हैं कि फर्स्ट हाफ में आपको सच में मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस फिल्म में कुछ कैमियोस भी हैं, खास करके लास्ट में जो एक कैमियो आता है, एक बहुत बड़े स्टार ने इस फिल्म में कैमियो किया है, जो कि अब इसके अगले पार्ट्स में जाके मेन विलन करेंगे, तो वो कैमियो भी अच्छा है। किसका है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको थिएटर्स में जाके ही देखना होगा। बात करूं अगर इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स के, तो ऐसा सच कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है इस फिल्म में, बहुत ही बढ़िया मूवी है ये। लेकिन थोड़ा सा अगर बात करूं सेकंड हाफ में जो क्लाइमेक्स आता है वो थोड़ा सा मुझे खिंचा हुआ लगा, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते थे। हालांकि वो मजा आता है देखने में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, लेकिन फिर भी अगर 5 या 10 मिनट उस क्लाइमेक्स को कम कर देते तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। तो यार मेरी तरफ से जो इस फिल्म की रैंकिंग रहेगी वो रहेगी 4 स्टार आउट ऑफ 5। तो फ्रेंड्स, ये तो था स्त्री 2 का रिव्यू मेरी तरफ से, लेकिन रुकिए रुकिए, ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको इस मूवी का एक बोनस इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी को मालूम है कि ये स्त्री का सेकंड पार्ट है, लेकिन ये इनका जो दिनेश विजन है, जो इसके फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, मेडोक फिल्म्स उन्हीं का बैनर है, तो उनका ये हॉरर कॉमेडी का यूनिवर्स है पूरा, जिसमें स्त्री मूवी आती है, भेड़िया मूवी आती है, अभी हाल ही में मुंजिया फिल्म आई थी, ये इसी यूनिवर्स की फिल्में हैं। और अब स्त्री 2 से इन्होंने जो भेड़िया मूवी और स्त्री का क्रॉसओवर दिखाया है कहानी में, वो एकदम लाजवाब है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फिल्म में भेड़िया आने वाला है, मतलब हमारे वरुण धवन भेड़िया बन के आने वाले हैं, उनका भी कुछ रोल है और वो सच में बहुत अच्छा है। लेकिन जो अभी तक हमारे जो बॉलीवुड में जो यूनिवर्स बने हैं, चाहे वो यशराज बैनर्स का स्पाई यूनिवर्स हो, तो उसमें ना कहानी को क्रॉसओवर नहीं करते, बस कैमियो डाल देते हैं। जैसे पठान में टाइगर ने कर दिया, टाइगर में पठान ने कर दिया, ऐसे ही दूसरा जो यूनिवर्स है सिनेमैटिक हमारा, वो सिंगम फ्रेंचाइजी है, तो उसमें भी कहानी को नहीं जोड़ते, बस सिम्बा का उसमें कर देंगे, कैमियो कर देंगे, या सूर्यवंशी आ गया, सिंगम आ गया, बस कैमियो ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो ये अपना हॉरर कॉमेडी का जो यूनिवर्स बनाया है, तो इसमें स्त्री 2 में उन्होंने स्त्री 2 और भेड़िए की कहानी को जोड़ा है, और वो बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ा है। अगर आपने भेड़िया देखी है तो आपको याद होगा, बिल्कुल जो उसका लास्ट सीन रहता है, जब जेना को राजकुमार राव और बिट्टू बुलाने आते हैं, बिल्कुल लास्ट सीन था ये, वो सेम सीन इस फिल्म में रखा है, और उस सीन के थ्रू ही उस पूरी जो स्त्री 2 को है वो भेड़िया के साथ लिंक किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं और भेड़िया मूवी आपने देखी है, तो ये जो क्रॉसओवर होगा इस फिल्म में, वो आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ खत्म करते हैं आज का हमारा यह वीडियो।
वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने स्त्री 2 मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने नहीं देखी है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यार अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। बहुत जल्दी मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।